आइए दोस्तों देखते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के उपाय किस प्रकार होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डेली हेल्थ केयर में। दोस्तों एंजॉय कीजिए डेली हेल्थ केयर ऐप को, जहां पर आप हमारे चैनल के सारे वीडियोस देख सकते हैं एक साथ और सबसे पहले। आयुर्वेदिक घरेलू उपचार, घरेलू नुस्खे, रामबाण इलाजों और हेल्थ टिप्स के वीडियोस फुल एचडी में देखने के लिए डाउनलोड कीजिए हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से। डाउनलोड लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो इंतजार किस बात का, अभी डाउनलोड कीजिए डेली हेल्थ केयर ऐप। गर्भावस्था एक खुशखबरी भरा लेकिन साथ ही चुनौतियों भरा समय होता है। ऑपरेशन से बच्चे के जन्म के बाद जहां मां को बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, तो साथ ही मां को बहुत सारी बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है। सिजेरियन डिलीवरी के बाद निर्देशों का पालन ना करना मां के लिए खतरा भी बन सकता है। जबकि नॉर्मल डिलीवरी से स्त्री का शरीर भी ठीक रहता है और स्त्री को कम खतरों का सामना करना पड़ता है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद महिलाएं जल्दी ही रिकवर हो जाती है। साथ ही अगली बार गर्भवती होने पर भी बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही सरल उपाय जिन्हें अपनाने से आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, जिससे आपके शरीर को भी कम कष्टों का सामना करना पड़ेगा और साथ ही आपके पैसे भी बचेंगे। आइए दोस्तों जानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए कौन सी टिप्स फायदेमंद होंगी। प्रसव पीड़ा सहने के लिए ये जरूरी है कि आपके शरीर में खून की बिल्कुल भी कमी ना हो, तो किसी अच्छे डॉक्टर की देखरेख में ये सुनिश्चित करें कि आपके शरीर में खून की पर्याप्त मात्रा है। अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो डॉक्टर की सलाह से खून बढ़ाने वाली दवाइयाँ लें, साथ ही अपने खान पान में भी जरूरी सुधार लाएं। दोस्तों ताजे फल, आयरन, कैल्शियम, विटामिन और प्रोटीन युक्त भोजन करें। समय पर खाना खाएं, ताजे फल, साग सब्जियां इत्यादि का प्रयोग अपने भोजन में जरूर करें। एक गर्भवती महिला पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, ये बहुत ही जरूरी होता है, इसीलिए हर दिन 10 से 12 गिलास पानी जरूर पिए। पैदल चलना और टहलना एक गर्भवती महिला के लिए बहुत फायदेमंद होता है, अतः आसपास कहीं आने जाने के लिए पैदल आना जाना जरूर करें। डॉक्टर के निर्देश के अनुसार उन व्यायामों को करें जो एक गर्भवती महिला को करने चाहिए। याद रखिए, अपने मन से व्यायाम करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, इसीलिए इसे डॉक्टर की निगरानी में ही करें। नियमित व्यायाम करने से आपकी मांसपेशियां मजबूत और लचीली हो जाती हैं। साथ ही व्यायाम आपके दर्द सहने की क्षमता को भी बढ़ाता है, जिससे आपके नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दोस्तों हर दिन पर्याप्त नींद लें, नियमित रूप से अपने शरीर की मालिश करते रहें, तनाव से बचने की हर संभव कोशिश करें तथा इधर उधर की बेकार बातों के कारण चिंतित ना हो। आपका स्वस्थ रहना एक स्वस्थ बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए शारीरिक रूप से सक्रिय रहना बहुत जरूरी है। इस बात को बिल्कुल ना भूलें कि शारीरिक रूप से सक्रिय रहें तभी नॉर्मल डिलीवरी संभव है। गर्भ ठहरने की बात पक्की होने के बाद से ही किसी अच्छी महिला डॉक्टर के साथ संपर्क में रहें तथा उन चीजों का पालन करें जो एक गर्भवती महिला को करनी चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी एक मां की स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होती है, और एक बात बिल्कुल ना भूलें कि आप एक बच्चे को जन्म देने जा रही हैं, तो इसके लिए आपको शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल मजबूत रहना होगा। अगर आप गर्भ ठहरने के तुरंत बाद से खुद को पूरी तरह से आराम की आदी बना देंगी तो नॉर्मल डिलीवरी की संभावना काफी हद तक कम हो जाएगी। आपके अनुभव हमारे साथ जरूर बांटें। आप अपने कमेंट्स हमारे वीडियो के नीचे कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, डाउनलोड कीजिए हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से। डाउनलोड लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो इंतजार किस बात का, अभी डाउनलोड कीजिए डेली हेल्थ केयर ऐप।